12 pound मसल मास आपने गेन कर लिया जस्ट बाय ईटिंग मेंटेनेंस। तो एक साल बाद आपका वेट कितना हो जाएगा, 165 प्लस 12, 177 pounds। तीन तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ्स आप कहते हैं यूजुअली उन लोगों को जो बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं, स्किनी होते हैं, और अक्सर आप देखेंगे कि इनको चाहे मसल्स पैक ऑन करना हो या फिर वेट पैक ऑन करना हो, इसमें इनको बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है, और यही वजह है कि अक्सर आप इनको हार्ट गेनर्स भी कहते हैं। फिर एक एक्सट्रीम है हमारे पास एंडोमॉर्फ्स की। एंडोमॉर्फ्स आप कहते हैं उन लोगों को जिनके अंदर फैट सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो दिखने में ओबीस होते हैं, ओवरवेट होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जितना मुश्किल एक एक्टोमॉर्फ के लिए होता है मसल या इनफैक्ट वेट पुट ऑन करना, उतना ही आसान एक एंडोमॉर्फ के लिए होगा वेट पुट ऑन करना। फिर इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक आता है जिसको आप कहते हो मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ कहते हैं आप उन लोगों को जिन्हें दिक्कत नहीं होती, मुश्किल नहीं होती मसल्स पैक ऑन करने में। यही वजह है कि आप इन्हें अक्सर इजी गेनर्स भी कहते हैं, और ये वो बॉडी टाइप है, इनफैक्ट वो सोमेटोटाइप है जो कि अक्सर आइडियल समझी जाती है बॉडी बिल्डिंग के लिए। अब अक्सर एक आर्ग्यूमेंट ये किया जाता है कि सोमेटोटाइप्स बॉडी टाइप से कुछ नहीं होता, आप अच्छा ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन रखें और जितना आपको मसल मास गेन करना है आप कर सकते हैं। देखें, एक हद तक ये बात ठीक है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है। अक्सर ये होता है कि आप प्योरली एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ या फिर एंडोमॉर्फ नहीं होते, आप इनका मिक्सचर होता है। यानी कि अगर आप एक एक्टोमॉर्फ हैं तो हो सकता है कि एक्टोमॉर्फ होने के साथ साथ आपके अंदर मेसोमॉर्फ के भी जरासीम हो, या फिर आप एक एंडोमॉर्फ हैं और एंडोमॉर्फ होते हुए आपके अंदर मेसोमॉर्फ के भी जरासीम है, या फिर कहने को तो आप मेसोमॉर्फ हैं लेकिन आपके अंदर एंडोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ दोनों के जरासीम मौजूद है। जिसकी मिसाल आप इस तरह से समझें कि मैं अगर अपनी बात करूं, बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे अंदर फिटनेस के भी जरासीम है, पॉलिटिक्स के भी जरासीम है। तो कहने को तो फिटनेस, इंजीनियरिंग एंड पॉलिटिक्स, ये तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, लेकिन मेरे अंदर इन तीनों का स्पेक्ट्रम मौजूद है। अब एक मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने दो लड़के लिए एक्टोमॉर्फ, सेम बॉडी स्टैट्स के, यानी बॉडी वेट हो गया, हाइट वगैरह ये सब बराबर है उनके, ठीक। आपने उन दोनों को एक ही तरह का न्यूट्रिशन और एक ही तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी फॉर से 1 ईयर। एक साल बाद आपने देखा कि वो जो पार्टिसिपेंट ए था, ही वॉज मोर मस्क्यूलर एंड इनफैक्ट मोर मैसिव एज कंपेयर टू पार्टिसिपेंट बी। तो इसका क्या मतलब है? अब यहां पे तो दोनों की ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन भी सेम था। इसका सर मतलब यह है कि जो पार्टिसिपेंट ए था, ही वॉज लाइक ही रैंक्ड हायर ऑन द मेसोमॉर्फ स्केल वाइल लोअर ऑन द एक्टोमॉर्फ स्केल, और जो पार्टिसिपेंट बी था, ही वॉज प्रोबेबली रैंकिंग हायर ऑन द एक्टोमॉर्फ स्केल वाइल लोअर ऑन द मेसोमॉर्फ स्केल। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू डोंट नीड अ जीनियस टू टेल यू ऑल दिस। खैर, अब आपकी कोई भी बॉडी टाइप हो, चाहे आप एक्टोमॉर्फ हैं, मेसोमॉर्फ हैं, एंडोमॉर्फ हैं, और अगर आपको बल्क करना है या फिर कट करना है, उसका क्या तरीकेकार होगा, उस पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले हम पिक कर लेते हैं एंडोमॉर्फ्स, यानी ओबीस ओवरवेट लोग। मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं एक लड़के की, ठीक है। इनफैक्ट आज लड़के से नहीं, आज फीमेल से, लेडीज फर्स्ट, आज लेडीज से शुरू करता है, ठीक है। यू आर अ फीमेल, यू आर 5 फुट 5, 200 pounds, 40% बॉडी फैट, और आपका गोल ये है कि आपको, जाहिर है, अपना बॉडी फैट एंड एज अ रिजल्ट अपना वजन, अपना वेट कम करना है। क्या आपको यहां पे बल्किंग की जरूरत है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या आपको यहां पे कट करना है? यस। कैलोरिक डेफिसिट आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप मुझसे पूछें तो एक थोड़ा सा डेफिसिट ही आपको काफी होगा अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए, फॉर डेफिनेटली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज कोई भी फिटनेस गोल हो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब आपने कहा नहीं, मैंने ये करना है कि मेरा बॉडी फैट है 40%, ठीक है, और मुझे पहुंचना कहां तक है, एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज पे। हेल्दी बॉडी फैट फॉर फीमेल इज लाइक 25% बॉडी फैट, तो 40 - 25 इज 15%, ठीक है। मुझे 15% बॉडी फैट लूज करना है, मैं ये करूंगी कि
1% बॉडी फैट हर हफ्ते में लूज करूंगी और इस तरह से 15 हफ्तों के अंदर यानी अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स मैं अपना टोटल जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैं कर लूंगी। ओके लेट्स एग्जामिन इट। 1% आपने हर हफ्ते लूज करना है, ठीक है। 1% ऑफ 200 इज 2 pounds। अगर 1 pound आपने लूज करना है तो उसके लिए आपको ऑन एवरेज 3500 कैलोरीज बर्न ऑफ करनी होती है। अब आपको 2 pound लूज करना है तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया 7000 कैलोरीज, यानी एक हफ्ते में 7000 कैलोरीज आपको बर्न ऑफ करनी है इन ऑर्डर टू लूज 1% ऑफ योर बॉडी फैट। तो यानी एक हफ्ते यानी कि 7 दिन के टेन्योर में आपको करनी है कितनी 7000 कैलोरीज। तो एक दिन में कितनी करनी है 1000 कैलोरीज। अब डेफिसिट से आपका फैट लॉस किस तरह से होगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 1500 कैलोरीज, यानी अगर आपको 200 पाउंड का वजन मेंटेन करना है तो आपको लाइक 1500 कैलोरीज चाहिए। अब आपको कितनी चाहिए 1500, आप खर्च कितनी कर रही हैं 1000, यानी आप ओरिजिनली कितना नेट कितना सप्लाई कर रही हैं 500, मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए था 1500। तो जाहिर है 1000 का डेफिसिट हो गया, 1000 का घाटा हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो फैट लूज करेगी। अब चलिए मिसाल के तौर पे आपने 1000 कैलोरीज बर्न करनी है, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। अब ये आप किस तरह बर्न करेंगे, इसके 2 तरीके। एक तरीका ये होगा कि आप रोज 2 घंटे का करें कार्डियो। जाहिर है जरूरी नहीं है कि हर कोई 2 घंटे में ही 1000 कैलोरीज बर्न ऑफ कर ले, कुछ लोगों को 3 घंटे भी लगते हैं, कुछ लोगों को अक्सर 4 घंटे भी लगता है। वो कैसे लगते हैं, जाहिर है द टाइप ऑफ कार्डियो यू डू, किस इंटेंसिटी से आप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप एक स्टेशनरी बाइक है उस पर सिर्फ अपने पैर चला रहे हैं, दूसरी तरफ एक ट्रेडमिल है जिसको आपने 30% इंक्लाइन कर दिया एंड देन यू आर डूइंग द कार्डियो, सो ऑब्वियसली फर्क आ जाता है, ठीक है। जो इंक्लाइन 30% है उसमें यू आर बर्निंग ऑफ मोर कैलोरीज। तो 1000 अगर आपने कैलोरीज बर्न ऑफ करनी है तो या तो आप करें 2 घंटे का कार्डियो, कब तक, अगले 15 हफ्तों तक बगैर किसी नागे के, या फिर इसका दूसरा ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि आप 1 घंटे का कार्डियो करें और अपनी डाइट से 500 कैलोरीज माइनस कर दें। अब 500 कैलोरीज का जो डेफिसिट होगा खाने के अंदर वो होगा अराउंड 200 ग्राम्स चिकन मिंस बॉइल्ड, चिकन का कीमा यानी एक प्याला, ठीक है, और अराउंड 1 से 2 रोटी यानी अराउंड 1.5 रोटी आप समझ लें। यानी कि आप या तो 2 घंटे का कार्डियो कर रहे हैं या फिर खाने में भी डेफिसिट है और 1 घंटे का भी कार्डियो है, कब तक, फॉर द नेक्स्ट 15 वीक्स नॉन स्टॉप। चलिए ठीक है, आपने स्टार्ट करी अपनी जर्नी, आपका पहला हफ्ता हुआ आपने 2 pound लूज कर लिया, दूसरा हफ्ता हुआ और 2 pound लूज कर लिया, 4 हफ्ते तक लगातार आपके 2 pound लूज हो गए एंड यू आर वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। लेकिन जैसे ही 5वां हफ्ता शुरू होता है यू फील लाइक बॉडी में जान नहीं है यार, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, आई डोंट थिंक आई हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द ट्रेन, मतलब आपको दिक्कत होगी। वो दिक्कत क्यों होगी, बिकॉज बॉडी टाइप के हिसाब से यू वर एन एंडोमॉर्फ, यू हैड मोर फैट सेल्स एज कंपेयर टू द अदर बॉडी टाइप्स। तो अब क्या होगा, इतनी आसानी से थोड़ी आपकी बॉडी आपको जाने देगी भाई, उसकी एक कैपेसिटी है ना, उसकी एक लिमिट है। अब आप तो मजे से हर हफ्ते 1% बॉडी फैट लूज किए जा रही हैं, तो इतनी आसानी से थोड़ी वो जाने देगी, आप रिजिस्ट करेगी, आपको मुश्किल में डालेगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि 1% या इनफैक्ट उससे ज्यादा जब लोग लूज करते हैं तो बहुत जल्दी इनफैक्ट 1-1.5 महीने में वो क्विट कर जाते हैं, बिकॉज 1% इज अ वेरी हाई फैट लॉस रेट। तो आपको 1% पे जाने की मेरी रिकमेंडेशन है हर की जरूरत नहीं, आप स्टार्ट करें लाइक 0.5% फैट लॉस, इट्स मोर देन एनफ। यानी कि अब आप हर हफ्ते 2 pound नहीं बल्कि सिर्फ 1 pound लूज कर रहे हैं। अब हर हफ्ते आपको 7000 कैलोरीज बर्न ऑफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3500 कैलोरीज बर्न ऑफ करने की जरूरत है। अब हर रोज आपको 1000 कैलोरीज डेफिसिट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 500 कैलोरीज के डेफिसिट की जरूरत है। यानी कि इस मुश्किल से 1 घंटे का कार्डियो या फिर 1/2 घंटे का कार्डियो और से 1.5-2 रोटियां आप कम खा लें। यानी अब जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 15 हफ्तों में नहीं मिलेगा लेकिन 30 हफ्तों में मिलेगा, एट योर ओन कन्वीनियंस, एट योर ओन पेस। यानी यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, यू फील एनर्जेटिक, आपके अंदर ट्रेन करने की कार्डियो करने की एनर्जी है और आपको लगता है कि हाँ इस स्लो फैट लॉस रेट से इन द लॉन्ग टर्म स्लो एंड स्टडी जस्ट लाइक अ टर्टल मैं अपना गोल अचीव कर लूंगी। So this is how you recompose an endomorph. अब हम चलते हैं अपने दूसरे बॉडी टाइप की तरफ यानी के ectomorph. Ectomorph यानी दुबले पतले skinny लोग. For example, you are a guy 6 feet tall, very skinny, 130 pounds.
और आपका बॉडी फैट बहुत ज्यादा लीन है, 8% बॉडी फैट पे आप है, और आपका गोल है कि आपको मसल गेन करना है, मसल ग्रोथ करनी, ठीक। और जाहिर है साथ साथ जो इतने लीन है आपको इतने लीन होने की जरूरत नहीं है, यू आर लाइक मुझे एक हेल्दी बॉडी फैट पे आना है, से 15% फॉर मैन, तो क्या आपको यहां पे कटिंग की जरूरत है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या आपको बल्किंग की जरूरत है? यस टू सम एक्सटेंट। अब सवाल ये है कि बल्किंग कितनी करनी है? 5000 कैलोरीज अ डे? हरगिज नहीं। 500 कैलोरीज अ डे? मे बी। इनफैक्ट आपने कैलोरिक सरप्लस इतना रखना है जिससे आपका वजन तो बढ़े लेकिन आप पे बॉडी फैट ऐसा ना हो कि बहुत आप आगे निकल जाए। अब अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप 500 कैलोरीज के सरप्लस से स्टार्ट करें, ठीक है, चलें इसको ऑब्जर्व करते हैं। 500 कैलोरी सरप्लस, मिसाल के तौर पे आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है 130 पाउंड्स को मेंटेन करने के लिए वो है 2200 कैलोरीज, जिसमें 4 से 5 दिन का जो आपका वेट ट्रेनिंग सेशन होगा वो भी इंक्लूडेड है। अब आपने कहा भाई मैं 500 कैलोरीज का डेली सरप्लस करूंगा, तो 2200 में आप सिंपल जमा कर दें 500, कितना हो गया 2700, यानी 2700 कैलोरीज आपको रोज चाहिए ताकि आपका इस हिसाब से अगर आप 500 कैलोरीज फॉर एग्जांपल रोज सरप्लस पे जा रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द वीक ये टोटल हो जाएगा कितना, 3500 कैलोरीज, यानी हफ्ते के एंड पे आपका 1 पाउंड वजन बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक चीज और करने की है कि जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली रोज 500 कैलोरीज का सरप्लस करेंगे। अगर आपको 2700 खाना है तो हो सकता है कभी आप 2800 खाएं, कभी आप 3000 खा लें, कभी आप 2400 खा लें, कभी आप 2500 खा लें, ठीक है। सो इट ऑसिलेट्स, कभी आप किसी दिन सरप्लस पे हो, किसी दिन आप डेफिसिट पे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक 3500 कैलोरीज मैं ये अज्यूम कर रहा हूं आपने सरप्लस कर लिया और आपका 1 पाउंड वजन बढ़ गया। अब आपने कहा भाई मैं तो इसको 6 महीने लेके जाऊंगा, यानी 25 हफ्ते मैं इसको लेके जाऊंगा इस 1 पाउंड को, यानी हर हफ्ते मेरा 1 पाउंड वजन बढ़ रहा है, उस हिसाब से 25 हफ्ते में कितना हो गया, 25 पाउंड वजन, यानी आप थे 130 पाउंड्स के एंड आफ्टर 25 वीक्स यू आर ऑन 155 पाउंड्स। लेकिन अब सवाल ये, इसमें आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना होगा? लेट्स कैलकुलेट। यू वर न्यूबी और आप थे एक एक्टोमॉर्फ यानी के एक हार्ट गेनर, तो 25 हफ्तों में यानी से 6 महीनों में आप कितना गेन कर लेंगे मसल की अगर मैं बात करूं? 4 पाउंड्स एट बेस्ट। तो यानी 25 में से 4 पाउंड मसल और 21 पाउंड फैट प्लस ग्लाइकोजन। तो इस हिसाब से यस, आपने अपना बॉडी वेट बढ़ा तो लिया फ्रॉम 130 to 155, लेकिन आपका जो एक्चुअल बॉडी फैट परसेंटेज होगा इस वक्त वो होगा अराउंड 22% बॉडी फैट। अगर आप खुश हैं इसमें, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इफ यू आर नॉट हैप्पी, आपको लगता है आपका बॉडी फैट बहुत ज्यादा ऊपर निकल चुका है, देन प्लीज 500 का सरप्लस, इतने ज्यादा सरप्लस पे आपको इनफैक्ट जाने की जरूरत नहीं है। आप इसका आधा कर दें, आधे से मोरा 250 से 300 कैलोरीज आप सरप्लस करें, ठीक है, यानी अब आप 2200 कैलोरीज नहीं खा रहे, अब आप 2500 कैलोरीज खा रहे। अब आप हर हफ्ते 1 पाउंड वजन गेन नहीं कर रहे, अब आप 2 हफ्ते में 1 पाउंड गेन कर रहे हो। और जाहिर है क्योंकि आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो आपके लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी यहाँ पे। एक तो होगा आपका प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए। प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट क्या होता है? देखिए मैक्सिमम लेवल है 1 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड, यानी अगर आप 130 पाउंड के हो तो 130 ग्राम प्रोटीन, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं, इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं, इसके कोशिश करना नीचे ही रहना। फिर दूसरी चीज आपको चाहिए एडिक्वेट वाटर इंटेक, आपका पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। पानी का अच्छा इंटेक से मुराद है अगर आप हर 3 से 4 घंटे में वॉशरूम जा रहे हैं देन दैट इज इनफ, ठीक है। यानी इस तरह से आपने, अब आप 2700 कैलोरीज नहीं ले रहे, अब आप 2500 कैलोरीज ले रहे हैं, 4 से 5 दिन आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पहले आपका गेन कितना हो रहा था, हर हफ्ते 1 पाउंड, लेकिन अब आपका हर 2 हफ्ते में 1 पाउंड गेन हो रहा है, तो इस हिसाब से 25 हफ्तों बाद से आपने 13 पाउंड्स गेन कर लिया, यानी अब आप आ गए 130 से कहां तक, 143 पाउंड्स तक। अब देखते हैं इस 13 पाउंड में मसल कितना है और ग्लाइकोजन फैट कितना है। जाहिर है वही 4 पाउंड मसल, ठीक है, कंसिडरिंग कि हर चीज आपने ऑप्टिमली की हो, तो 4 पाउंड मसल और 9 पाउंड के करीब ग्लाइकोजन प्लस फैट। तो इस हिसाब से आपका अब जो बॉडी फैट परसेंटेज होगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 14% बॉडी फैट, जो कि ऑलरेडी एक हेल्दियर जोन में आता है। तो अब आप खुद देखें, हमने 2 मिसालें यहां पे ले ली, यानी हमने 2 बॉडी टाइप्स ले ली, चाहे एंडोमॉर्फ हो या फिर एक्टोमॉर्फ हो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो दिस इज हाउ द बॉडी रिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन एन एक्टोमॉर्फ। अब फाइनली हम बात करते हैं मेसोमॉर्फ्स की, यानी जिनको बहुत ज्यादा इजी गेनर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल यू आर अ गाय, यू आर अ बॉय,
आपका बॉडी वेट है इस वक्त 165 पाउंड्स, 5'10", 15% बॉडी फैट, वेरी हेल्दी। अगर आपका गोल है पावर लिफ्टिंग तो आपको इस वक्त ये वीडियो यहीं पे बंद कर देनी चाहिए और उसको आगे नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पावर लिफ्टिंग में आपको बल्किंग करनी पड़ती है, इनफैक्ट अक्सर डर्टी बल्किंग भी करनी पड़ती है, सो प्लीज स्टॉप दिस वीडियो। लेकिन अगर आपका गोल है मसल ग्रो करना, मसल बिल्डिंग और एक अच्छे मेंटेनेबल बॉडी फैट परसेंटेज पे रहना, तो क्या आपको इस वक्त बल्किंग की जरूरत है? सो द आंसर इज नो। क्या आपको कटिंग की जरूरत है? अगेन द आंसर इज नो। क्यों? बल्किंग आपने क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप एक ऑलरेडी हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज जोन में हैं। कटिंग आपने क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप एक ऑलरेडी हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज जोन में हैं। अगर आप एक मेसोमॉर्फ हैं, ठीक है, 15% बॉडी फैट पे, इनफैक्ट आप कोई भी बॉडी टाइप है, चाहे मेसोमॉर्फ हो, एक्टोमॉर्फ हो, एंडो, कोई भी आपकी टाइप, अगर आप 15% बॉडी फैट पे हैं, ट्रस्ट मी, ना आपको बल्किंग करनी है ना आपको कटिंग करनी है। यू जस्ट हैव टू ईट एट मेंटेनेंस। यानी कि अगर आपका वजन है इस वक्त 165 पाउंड्स और इसको मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए 2600 कैलोरीज, जिसमें वो 4 से 5 जिनका वो जो वेट ट्रेनिंग सेशन है वो भी इंक्लूडेड है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो आप 2600 ही कैलोरीज खाएं ऑल ईयर लॉन्ग एंड स्लो एंड स्टेडली बिल्ड द मसल। तो आपके लिए ये सजेशन है। यानी आपने कहा कि ठीक है, अगले एक साल तक मैं मेंटेनेंस पे खाऊंगा, यानी कि 2600 कैलोरीज रोज खाऊंगा, ठीक, एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक रखूंगा, अगेन द लिमिट इज, मैक्सिमम लिमिट इज 1 ग्राम प्रोटीन पर पाउंड, इसके साथ साथ मैं एडिक्वेट वाटर इनटेक रखूंगा, ठीक। तो एक साल में मिसाल के तौर पे आपने ये चीज कंटिन्यू करी, अच्छी वेट ट्रेनिंग रखी, अपना न्यूट्रिशन और स्लीप अपना बेहतर रखा, एक साल में आपने लेट से यूवर मेसोमॉर्फ इजी गेनर, आपने 12 पाउंड मसल मास गेन कर लिया, 12 पाउंड मसल मास आपने गेन कर लिया जस्ट बाय ईटिंग मेंटेनेंस। तो एक साल बाद आपका वेट कितना हो जाएगा? 165 प्लस 12, 177 पाउंड्स। और सबसे बड़ी चीज, आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या होगा? 15% बॉडी फैट। अब अगर मिसाल के तौर पे एक या डेढ़ महीने बाद आपका कोई फोटोशूट है, यू हैव टू बी लाइक 10% बॉडी फैट एब्स, उसमें क्या होगा? आपको एक या डेढ़ महीने के लिए, इनफैक्ट चंद हफ्तों के लिए आपको एक मिनी कट करना पड़ेगा और बहुत आसानी से आप 15% से 10% बॉडी फैट पे आ जाएंगे। लेकिन अदर ऑन दी अदर हैंड, आपने अगर 15% बॉडी फैट पे ही बल्किंग करी होती है, एंड से यू वर लाइक राइट नाउ 32% बॉडी फैट, सो 32% बॉडी फैट से 10% बॉडी फैट पे आना एक बहुत मुश्किल काम होता। अब आपके साथ क्या है, आप ऑलरेडी एक अच्छे आइडियल बॉडी फैट जोन में हो, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप 15% बॉडी फैट से 10% बॉडी फैट पे आ सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू रिकम्पोज योर बॉडी इफ यू आर अ मेसोमॉर्फ। तो अगर मैं पूरी इस डिस्कशन को समेटूं, 3 बॉडी टाइप्स हैं आपके पास, क्या किसी भी बॉडी टाइप में आप एक अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हो? द आंसर इज यस। अगर मैं एंडोमॉर्फ की बात करूं तो आपको कैलोरिक डेफिसिट अपने ऊपर अप्लाई करना है, स्मॉल डेफिसिट इज मोर देन इनफ, लेकिन लॉन्जेविटी, स्लो एंड स्टेडली विंस द रेस फॉर। क्या आप मसल गेन कर सकते हो कैलोरिक डेफिसिट में? सो द आंसर इज यस। तो एंडोमॉर्फ्स के लिए कैलोरिक डेफिसिट, और अगर आपने मसल्स पैक ऑन करना है तो कैलोरिक डेफिसिट पे भी आप कर सकते हैं। फिर आते हैं एक्टोमॉर्फ्स। एक्टोमॉर्फ्स के लिए क्या है? कैलोरिक सरप्लस, अ स्मॉल कैलोरिक सरप्लस एंड स्लो एंड स्टेडली पैक ऑन मसल। मेसोमॉर्फ्स के लिए क्या है? ईट एट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस पे खाओ एंड स्लो एंड स्टेडली पैक ऑन मसल्स। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी आप बॉडी टाइप ले लो, जस्ट लाइक अब आप कहेंगे नहीं मेसोमॉर्फ्स के लिए तो बहुत ज्यादा आसान होता है मसल्स पैक ऑन करना। देखें, आसान होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यानी अगर मिसाल के तौर पे एक एक्टोमॉर्फ को एक बहुत ही अच्छी फिजिक बनाने में 10 साल लग रहे हैं, तो हो सकता है वही फिजिक एक मेसोमॉर्फ 7 साल में बना ले। लेकिन तीनों में मेहनत है, डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, टाइम है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है, जो जो आप ऐड करना चाहें उसमें करना है, टाइम सब में लगेगा, अनटिल और अनलेस यू आर ऑन यू नो मिस्टर स्टफ। सो दिस इज व्हाट बॉडी रिकम्पोजिशन इज ऑल अबाउट, एंड दिस इज हाउ यू आइदर बल्क और कट इफ यू आर एन एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एन एंडोमॉर्फ।